हायातनगर पुलिस स्टेशन में इस महीने 23 तारीख को सुबह सुबह एक इन्फॉर्मेशन आई थी दैट हाईवे के पास में एक गाड़ी में एक डेड बॉडी है, कुछ उसके ऊपर मिर्ची पाउडर वगैरह डाला हुआ करके। इमिडिएटली हमारी टीम्स वहाँ पे गई तो देखने पे मालूम पड़ा प्राइमरली कि वो मर्डर केस ही है, तो उसमें हमने इमिडिएटली इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट की। तो उसमें उसी केस के सिलसिले में आज 3 लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। इसमें जो मरने वाला है उसका नाम मोहम्मद मुश्ताक पटेल है, ये बेसिकली सैदाबाद एरिया का रहने वाला है, 46 साल उम्र है और लॉरी ड्राइवर है। वैसे जो उसको 3 जो मारने वाले हैं उसमें से जो पहला है उसका नाम हामिद पटेल है और जो दूसरा है उसका नाम फिरदौस बेगम है, ये जो मरने वाला है उसकी वाइफ है, और तीसरा जो है सैयद नायाब है, ये भी ये तीनों ही बेसिकली सैदाबाद एरिया में रहते काम करते हैं, लेकिन इनका नेटिव जो है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक से। तो ये वाक्य ऐसे हुआ कि ये जो मरने वाला है उसकी वाइफ है, बेसिकली वाइफ का और जो पहले वाला जो क्यूज है, ये लोग पहले कर्नाटका में रहते थे तो वहाँ पे ये लोग इकट्ठे इन्होंने पढ़ाई किया, तो वहाँ पे इनका पहले से अच्छा आपस में जान पहचान थी और इनका थोड़ा संबंध भी चल रहा था। तो लेकिन शादी इसकी जो मरने वाला है डिसीज उससे हो गई, तो शादी इसके होने के बाद से तब से शादी से अपने से खुश नहीं है। तो काफ़ी साल पहले ये लोग यहाँ पे हैदराबाद में आ गए, यहाँ पे सेटल हो गए, और ये जो लेडी है ये यहाँ पे अपना वेजिटेबल बेचने का काम इसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ उससे ताल्लुकात कंटिन्यू रहते हैं ऐसा हमको मालूम हुआ। और इसमें जो हस्बैंड है शौहर उसको भी इसके ऊपर शक हुआ कि ऐसा कुछ इनका काम आपस में चल रहा है, वैसे कि उस वैसे ही उसको ज़्यादा पीने का आदत भी था और इन दोनों सिलसिले में वाइफ से ज़्यादा मारपीट करना वैसा उसने स्टार्ट कर दिया। तो इसने जो लेडी ने प्लान किया अपने जो हमीद पटेल है इसके साथ मिलकर जो A1 है कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इससे फ्री हो जाते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमीद पटेल है वो जो डिसीज है मरने वाला उसका ही रिश्तेदार होता है, लेकिन दूर की रिश्तेदारी होती है। तो इन लोगों ने ये 2 साल से ये लोग सोच रहे, इससे पहले भी इन्होंने बीच में 6 महीने के पहले एक बार इन्होंने इसको मारने की कोशिश की, उस टाइम पर ये लोग इसको कहीं खाली जगह पर ले जाकर काफ़ी उसको पिलाया, लेकिन उस समय इन लोगों को सक्सेस नहीं मिला उसमें। तो अभी इन्होंने प्लान के हिसाब से जो A1 है इसने मरने वाले को 22 तारीख की सुबह को कॉल करके एक जगह पर बुलाया और वहाँ से पिलाना स्टार्ट किया और पूरा दिन ये लोग उसको गाड़ी में घुमाते रहे इधर उधर अलग अलग जगह पे, वहाँ पे सब जगह पे पिलाते रहे, और जब काफ़ी नशे में हो गया तो जो इसकी वाइफ है उसको बुलाया और उसके साथ काम करने वाला जो A3 है उसको भी वहाँ पर बुलाया। फिर इन्होंने A3 को कुछ पैसे दे के एक चाकू मंगाया और थोड़ा मिर्ची का पाउडर मंगाया और ये लोग ऐसे गाड़ी घुमाते घुमाते रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास ये लोग बाटा सिंगारम एरिया में लेके गए, वहाँ पर तीनों ने मिलकर इसका मर्डर कर दिया। वहाँ पे क्योंकि इनको जाने के लिए घर जाने के लिए खुद वहाँ पे इंटीरियर से कुछ गाड़ी वगैरह नहीं मिलनी थी, तो ये लोग गाड़ी में बैठ कर बॉडी को साथ लेकर आकर हाईवे के पास आ गए और वहाँ पर छोड़ के लोग अपने घर को चले गए भाग गए। अब इसमें हमारे केस में जब काफ़ी जल्दी पूरी तहकीकात कंप्लीट की गई है और इसलिए इतनी जल्दी ये 3 लोगों को अरेस्ट भी हम लोगों ने कर लिया है। इसमें हमारे ACP वनस्थलीपुरम और इंस्पेक्टर हायातनगर DI हायातनगर ऐसे उनका स्टाफ सारा और हमारी IT सेल टीम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा इसमें काम किया। हमको CCTV कैमरास की इसमें केस में काफ़ी मदद मिली और कुछ हमारे जो लोकल इन्फॉर्मर्स थे उनकी मदद से भी यह केस हम लोगों ने जल्दी डिटेक्ट कर लिया। इन तीनों को अभी रिमांड भेजा जाए।